अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ फीड भारण के बग़ैर इस सेटेलाइट को, इसमें LNB लगाकर सेटेलाइट को आसानी से ट्रैक करें, तो आज की वीडियो जो है इस रिलेटेड है। यहाँ पर इस डिश पर, 4 फीट की डिश पर, फीड भारण के बग़ैर, विदाउट फीड भारण के बग़ैर, यहाँ पर NSX जो है सेंटर में मेरी सेट है। और इसके सिग्नल भी आप चेक कर लें, काफ़ी अच्छे सिग्नल आ रहे हैं। ये देखें, मैं आगे खड़ा हूँ तो इसलिए ये 80% जो है ना इसके सिग्नल आ रहे हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आप नोट कर लें, ठीक है। तो अभी हम NSX से वीडियो को 88 लगा कर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मैं इसका जो है ना लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर ज़रूर जाके देखना कि यहाँ पर सेंटर में लगाने का जो तरीका है, ठीक है। मोटा मोटा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक ऐसे पत्र लगानी है और फिर यहाँ पर ऐसे और नट लगा देना, यहाँ पर भी नट लगा देना और यहाँ पर सेंटर में आसानी से लग जाएगी। वहाँ डिटेल से बताई, अगर वहाँ पर जाने देखनी है तो वहाँ पर भी देख लेना। अभी यहाँ पर NSX से वीडियो को 88 की सेटिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाते हैं हम DVD की तरफ। DVD की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो है चैनल चेक करा देता हूँ एक दो। यहाँ पर देखें जो है ना चैनल हमारे पास ओके चल गया इस वक्त। और अभी हम क्या करते हैं, अभी जो है ना VDCON जो है इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी लगा लेते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले फिर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो पूरा देखा करें, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आएगी। और कमेंट में अपनी राय का इजहार है वो ज़रूर दिया करें, ताकि हमारी जो है ना हौसला अफजाई होती है, कि हमें हिम्मत आती है कि हम आप लोगों के और वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। यहाँ पर VDCON मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पर 11050H हॉरिजॉन्टल 30,000 JTP लगानी है। यहाँ पर जूम सिग्नल पर लगा लेता हूँ। अभी जो है इसकी जो लोकेशन है, सॉरी डायरेक्शन है, वो मैं बताता हूँ LNB की कैसे रखनी। इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में कर देना, ठीक है। ये यहाँ पर चेक कर लें, इसको मैंने थोड़ा सा सीधा कर लिया, पहले ऐसे थी, अभी यहाँ इसको थोड़ा सा ना मैंने सीधा कर लिया। और यहाँ पर देखें, अभी डिश के पीछे चलते हैं और फिर आपको बता दूँ कि कैसे इसकी जनरल सेटिंग करनी। डिश के पीछे अगर खड़े हों तो डिश को करना है लेफ़्ट साइड की तरफ मूव, अगर आप डिश के आगे खड़े हों तो डिश को राइट साइड की तरफ मूव करना है, ठीक है। अभी डिश के पीछे चलता हूँ और फिर आपको स्टेप बाई स्टेप इसकी जो है ना सेटिंग बताता हूँ। LNB की जो पोजीशन है, आगे से भी आप नोट कर सकते हैं, ये देख लें कैसे मैंने रखी आगे से, कितनी अंदर की है। विदाउट फीड हारन जो स्ट्रॉन्ग सेटेलाइट है वो रिसीव कर सकते हैं आसानी से आप, अच्छी डिश पर भी और दूसरी जो अच्छी नहीं होती उस डिश पर भी। अब जो है हम डिश के पीछे आ गए और यहाँ पर जो है मैं निशानी एक लगा लेता हूँ यहाँ पर NSX की, ठीक है। ये निशानी लग गई, अभी यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि फासला इसका कितना रखना है। यहाँ पर इसको 2.5 इंच ना डिश के पीछे बैठकर लेफ़्ट साइड की तरफ इसको मूव करना है। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर जो है ना निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। फिर भी देख लें, 2.5 इंच इसको ना डिश के पीछे बैठकर लेफ़्ट साइड की तरफ इसको मूव करना है। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये मैंने निशानी लगा ली, अभी मैं यहाँ पर इस निशानी पर जो है ना डिश को लेकर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस निशानी पर आ गई मेरी डिश। अभी क्या करना है, ये जो रॉड है NSX से, इसको तकरीबन 1 इंच जो है ना डाउन करना है यहाँ तक। अभी मैं इसको डाउन करता हूँ, यहाँ से इस नट को जो है ना मैं खोल लेता हूँ। और आप जो है DVD की तरफ भी देखते रहें, मैं इसको जैसे डाउन करूँगा तो इसके सिग्नल हमें रिसीव होने लग जाएंगे। यहाँ पर देखें 19%, और डाउन करेंगे तो इसके सिग्नल हैं वो आसानी से जो है हमें रिसीव हो जाएंगे। ऐसा ऐसा इसको मैं डाउन करते जा रहा हूँ, ये देखें मेरे पास सिग्नल जो है ना आना स्टार्ट हो गए। ये देखें आप कितने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और फुल सिग्नल जो है ना हमें रिसीव हुए हैं। मैं इसकी मज़ीद फाइन ट्यूनिंग करता हूँ, क्योंकि देखते हैं कि हमें और जो है ना इसके सिग्नल रिसीव होते हैं कि नहीं। आपने 1 इंच डाउन करना है और सिग्नल जब आ जाए तो फिर आप फाइन ट्यूनिंग कर लेना कि इसके सिग्नल बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 82% पर भी खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। यहाँ पर जो इसको मैं सिंपल से यहाँ पर इसको टाइट कर लेता हूँ। मेरी वीडियो जो है ना
अच्छी अच्छी वीडियो होती, बिल्कुल फेक वीडियो नहीं होती, रियल वीडियो होती आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करते जाना, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना, और जो मेरे चैनल पर पहली बार और मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। यहाँ पर मेरे सिग्नल बिल्कुल ओके हो गए। एक बार फिर मैं आपको जो है डिश के आगे खड़े होकर मैं इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर टीपी फिर नोट कर लें 11050 और एच 30,000, और यहाँ पर फिर से जो है इसकी पोजीशन देख लें, ऐसे पोजीशन रखनी, ठीक है। और सिग्नल भी आप लोगों के सामने, मैं आगे खड़ा हूँ इसलिए चले गए, अब पीछे हट लूँ तो ये देखें सिग्नल भी आ गए। ये वीडियो थी आप लोगों के साथ, ये शेयर करनी थी। इसके साथ एयरटेल भी आ जाएगी, एक्सप्रेस 80 भी आ जाएगी, और भी ज़्यादा सेटेलाइटें जो सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। ये फार्मूला कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में अपनी राय का इशारा ज़रूर देना और लाइक करना, और जो चैनल पर नया है उसके मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही बाकी, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।